दोस्तों आज मैं आपको 6 साल की ऐसी लड़की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लड़की वो अभागिन है, उससे पालने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। 3 लोग जो 2 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, 1 लोग अपनी मौत की सांस ले रहा है और 3 लोगों को नरक की दुनिया में जाना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत में। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज, वहाँ एक थाना पड़ता है उद्योग, वहाँ का एक गांव है चकमियापुर, वहाँ की घटना है। जो 6 साल की लड़की अपने परिवार में अपनी बुआ के पास जब लेटी हुई थी, जब वो सुबह 6 बजे 13 अक्टूबर सुबह 6 बजे जब उठी तो अपनी उसने बुआ को हिलाया तो उसकी बुआ नहीं उठी। जब वो चीखने लगी कि चारों तरफ का गेट बंद है, जब वो दादी के पास गई, दादी भी नहीं उठी, तो उसने शोर मचाया तो बाहर की जो लोग आए घर के अंदर तो देखा, उसने बुआ की तरफ इशारा किया तो देखा उसमें 2 लोग बिल्कुल मौत की नींद सो रहे थे और गांव वालों में आक्रोश हो गया था। उसके जो बाबा थे वो मौत की सांस में नींद ले रहे थे, उन्हें एडमिट कराया गया और इतनी जनता भड़क गई, वहां आक्रोश हो गया, धरने पे बैठ गए लोग। और जब 100-200 लोग बैठ गए, पुलिस की टीम आई, पुलिस ने जाँच की, फॉरेंसिक टीम आई, डॉग स्क्वायर आया सब ने, मगर 48 घंटे के बीत जाने के बाद कोई भी सूचना नहीं मिल रही थी। वहाँ देखा कि लूटपाट की घटना बताई जा रही थी, सामान इधर से उधर, सेफ खोला उसमें जेवर भी गायब, अलमारी भी गायब, मगर सब कुछ गायब, मगर जो लोगों की हत्या हुई थी उनके मतलब शरीर पे से कोई भी जेवर गायब नहीं था और जो वहाँ के बुजुर्ग थे, दादा था, उनके पास भी एक जेवर था वो भी गायब नहीं था। फिर आखिर में क्या देखा कि पुलिस खुद ही चक्कर में पड़ गई थी, मतलब ये वाकया हुआ तो हुआ क्या, मगर 48 घंटे जब बीत गए कोई नहीं मिली। उसने 100 लोगों की ऐसी सूची तैयार की जिसमें क्या हुआ कि 4 सबसे पूछताछ गई किसी के बारे में, सब जानकारी छिपने लगी। जब 4 लोग ऐसी गंभीरता से उनसे पूछताछ की गई तो उन्हीं के शक पे उनसे पूछताछ की गई तो उसमें खुलासा हुआ। और जो उसकी बुआ थी, एक उसकी बड़ी बुआ थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी अंजू, उनसे भी पता किया मगर कोई भी जानकारी 0 ही निकली। फिर क्या हुआ कि जब आगे पूछताछ करी तो पता लगा कि जो 6 साल की लड़की है अंशिका, उसकी एक माँ थी, उसके 2015 में 6 साल पहले शादी हुई थी और उसके पिता अचानक परिस्थिति में ख़त्म हो गए थे। जब ख़त्म हो गए थे उसके बाद में वो अभी कुछ ही 6 महीने पहले वो अपनी मर्जी से उसने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली थी। उसकी माँ का नाम था सलोनी और वो अपनी 6 महीने रहने लगी, उसे अपनी अंशिका की बहुत याद आती थी, मगर जब वो अपने घर पे अपनी नंद के पास, अपने ससुर के पास, अपनी सास के पास कॉल करती थी मगर कोई उस लड़की से बात नहीं कराते थे। फिर क्या हुआ कि उस औरत ने, सलोनी ने ठान लिया था मुझे अपनी लड़की चाहिए। उसने सोचा कि इसने प्लान बनाया कि मुझे लड़की भी मिल जाएगी मेरी और मुझे ये सारी जायदाद भी मिल जाएगी। उसकी शादी हुई थी दूसरी जगह और उसकी वहाँ भी वो खुश नहीं थी। उसने एक लड़के को फांस लिया था जिसका नाम था प्रेमनाथ, मतलब प्रेमनाथ था, वो उससे बहुत प्रेम करता था और उसकी फ़ोन से बहुत बात होती थी। उसी वास्ते में उसी रात को जब क्या हुआ कि जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, जब उसे पता लगा कि यहाँ एक बहू है, तो उसकी CDR उसके मोबाइल को खंगालना चालू का तो जिस रात को ये मर्डर हुए थे उसकी भी लोकेशन इसी क्षेत्र के आसपास बताई जा रही है। जब उसके मतलब गहराई से पूछताछ की तो उसके जो प्रेमनाथ था, उसका बॉयफ्रेंड प्रेमनाथ और उसने प्रेमनाथ ने और एक लड़का अशोक था, दोनों ने मिलकर फिर वहाँ मतलब ये लीला रची। तो लीला कैसे रची, क्योंकि घर के सारे गेट बंद थे, वहाँ आने जाने का रास्ता कोई नहीं था, पुलिस भी चक्कर में पड़ गई। एक मतलब घटना जो टीम अधिकारियों के गठित की घटना, ये कैसे हो गई, लूटपाट होती तो सब कुछ मतलब इनके तनखा शरीर का जो जेवर था वो नहीं गया, तो उन्होंने कहीं कहीं अंदेशा लगा रखा था इसमें कोई ना कोई घर का शामिल है, क्योंकि जो रास्ता था वो किसी को नहीं मालूम था, केवल सलोनी उसकी माँ को मालूम था, अंशिका की माँ को, कि इसके घर के गेट सब बंद हों तो अंदर कैसे जाना चाहेंगे, क्योंकि घर के अंदर एक पेड़ था, पेड़ से पेड़ के अंदर मतलब प्रवेश कर रखे थे। और जो 13 अक्टूबर उसी रात में मतलब पड़ोस में 2 किलोमीटर दूर पे पूजा हो रही थी माता की, तो सारे लोग वहाँ गए हुए थे, इसलिए भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं लगा। फिर जब CDR निकाली गई तब इसका खुलासा हुआ। फिर क्या हुआ मतलब तीनों को जेल में भेज दिया गया, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल अब ये तीनों जेल में हैं, मगर ससुर दादा जो मतलब बेटी, उसके मतलब बेटी के भी काफ़ी पूछताछ की मगर ये मैटर खुलेगा नहीं। वो इंटर की छात्रा थे, स्कूल में भी काफ़ी पता किया गया मगर वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। जब अधिकारी क्राइम आप कितना भी करो, क्राइम में कुछ ना कुछ आप सबूत ऐसा छोड़ देते हो जिससे तुम्हें पता है कि या
सीआईडी भी नाटक देखा करते हो, उसमें मतलब उससे भी कुछ सबक सीखो कि आप कितना भी क्राइम करो मगर बच नहीं सकते हो। अगर उसे लड़की ले जानी थी तो उसे तीन मौतों मतलब तीन लोगों को ही मारना था। रात में जब वो लोग आए तो उस लड़की को उठा के ले जाते, मगर दो लोग तीन लोगों की ज़िंदगी तो बच सकती थी। उसने सोचा कि मुझे जायदाद भी मिल जाएगी और लड़की भी मिल जाएगी, मगर दोस्तों क्राइम से कोई आज तक बचा नहीं है, पुलिस के हाथों कोई बचा नहीं है। चाहे कितने भी अपराधी सातिर हो, मेरा इस घटना से कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब किसी को बहलाना नहीं फुसलाना नहीं। आप क्राइम से बचे जहाँ भी रहें सतर्क रहें और जो भी काम करें वो सोच समझ के बुद्धि से करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप जहां भी रहें सतर्क रहें। अब बताओ उस बच्ची को परवरिश कौन करेगा? अब तो मतलब तीनों अपराधी जेल में हैं और उसकी दादी भी नहीं है, बुआ भी नहीं है, दादा मौत की सांस ले रहे हैं। आज 5-6 दिन उन्हें एडमिट हो गए हैं, मगर बताओ क्या करें, अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अब उसकी बड़ी बुआ है जो अंजू है, वो ही उसे पालन पोषण उसका करेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।